नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी सीएम ने निकाली थी तिरंगा संकल्प यात्रा, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और डिप्टी सीएम ने कल तिरंगा यात्रा निकाली थी, तिरंगा संकल्प यात्रा उन्होंने निकाली थी, जिसके चलते उन पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संकल्प यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, तो महामारी अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज मनीष सिसोदिया पर कर लिया गया है। आगरा से बड़ी खबर, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल उन्होंने कल तो संकल्प यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, जिसके तहत अब उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें यात्रा में जो है वो भाग लिया था, और अब कोरोना अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज है, महामारी अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। कल उन्होंने संकल्प यात्रा निकाली थी, तिरंगा संकल्प यात्रा मनीष सिसोदिया के द्वारा निकाली गई थी कल, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, और इसी के तहत कोरोना अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज किया गया है, और आपको बता दें कि कल उन्होंने तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली थी, जिसके तहत अब कोरोना अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस यात्रा में आपको बता दें कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो थे वो मौजूद रहे थे। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर महामारी अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो संकल्प यात्रा निकाले जाने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और आपको बता दें कि कल उन्होंने संकल्प यात्रा निकाली थी, तिरंगा संकल्प यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता जो थे वो शामिल हुए थे, और अब उन पर इसी के तहत अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और हमारे संवाददाता आर राजकुमार तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजकुमार, आपसे जानकारी चाहूंगी कि इस वक्त जो बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अब क्या लगता है आगे क्या कुछ कार्रवाई उनके तहत की जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल जीआरसी ग्राउंड से एमजी रोड होते हुए शहीद स्मारक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें पहले तो प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, उसके बाद में कुछ टुकड़ियों को परमिशन दी, और उसके बाद में जैसे ही तिरंग उसमें करीबन 3 हेलो जी राजकुमार, देखिए अब जो है डिप्टी सीएम पर मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया है, लेकिन जब विपक्ष जो है जैसे बीजेपी है, जब वो बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं इस कोरोना महाकाल में, तो ऐसे में क्या दोहरा रवैया अपनाना, मतलब ये समझा जाए कि ये दोहरा चेहरा सामने आ रहा है? देखिए, जो बीजेपी का वास्तव में दोहरा चेहरा, जैसे ही कल जाए यात्रा रैली निकाली जा रही थी, तो प्रशासन ने पहले तो इसको परमिशन नहीं दी, फिर यात्रा निकलने के बाद में डिप्टी सीएम और मनीष सिसोदिया और वो 750 लोगों में इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। जी राजकुमार, अब देखिए जो मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है राजकुमार, और ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या होने वाला है, क्या कुछ कार्रवाई अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जाएगी, क्या कुछ उनकी तरफ से दलीलें रखी जा सकती हैं? जी बिल्कुल, आम आदमी की तरफ से कार्रवाई तो होनी चाहिए, इसमें 70 तो नामजद किए हैं, इसमें 450 लोगों के अभ्यर्थ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी
जी राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और डिप्टी सीएम ने कल तिरंगा संकल्प यात्रा जो निकाली थी उसी के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि इस यात्रा में करीब सैकड़ों लोग जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए थे और इसी के चलते उन पर कोरोना महामारी अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है, जहां पर कोरोना महामारी अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ये तिरंगा यात्रा निकाली थी, इस तिरंगा यात्रा में कई सारे लोग सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए थे और इसमें मौजूद थे, जिसके चलते अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, आम आदमी पार्टी की क्या कुछ दलीलें रहेंगी, और ऐसे में ये दोहरा रवैया भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस तरह की रैलियां निकालती हैं तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, और अब जब मुकदमा दर्ज किया जा चुका है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ पेश किया जाएगा, क्या किस तरह की दलीलें उनके द्वारा पेश की जाएंगी, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, जहां पर कोरोना महामारी अधिनियम के तहत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने कल तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली थी जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, भाग लिया था। तो सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता मौजूद रहे थे इसके तहत उन पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कल सीएम तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और आपको बता दें कि कल उन्होंने तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली थी जिसके तहत उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो महामारी अधिनियम के तहत ये मुकदमा डिप्टी सीएम पर दर्ज किया गया है। संकल्प यात्रा निकाले जाने के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया था, इस यात्रा में भाग लिया था। तो अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ दलीलें और क्या उनका पक्ष रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो महामारी अधिनियम के तहत आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है, जहां डिप्टी सीएम ने कल तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली थी और इसी संकल्प यात्रा में सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे थे, वो शामिल दिखे थे, जिसके तहत अब कोरोना महामारी अधिनियम के तहत अब उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है। तो अनिला सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो अनिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। लेकिन इसी के साथ मेरा पहला सवाल ये कि डिप्टी सीएम, जब दिल्ली के डिप्टी सीएम जब ये यात्रा निकालते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उनको इस घेरे में ले लिया जाता है कि उन्होंने कोरोना महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया है। लेकिन जब हमने देखा है, ये तस्वीरें किसी से नहीं छिपी अनिला जी, कि जब बीजेपी जो है वो भी बड़ी बड़ी रैलियां निकालती है तब ये अधिनियम कहां जाते हैं, तब ये कार्रवाई कहां जाती है। जिस प्रकार से उन्होंने सारी धज्जियां उड़ाई हैं कोरोना प्रोटोकॉल की, तो एक्शन तो बिल्कुल उनके खिलाफ होना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ इस भारतवर्ष में कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई और दल हो, कोई व्यक्ति हो, अगर किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा लिखना है तो बिल्कुल शौक से जाए थाने में और FIR दर्ज करे, थाने वाले मना नहीं कर देंगे। नहीं, आप मुझे ये गिनवाइए ना कि अगर बीजेपी रैलियां करती है जगह जगह पर, जब कोरोना अभी तो थमा नहीं है, कोरोना तो चल ही रहा है ना, जब चुनाव होते हैं बंगाल में, जब चुनाव होते हैं बिहार जैसे राज्य में, तब जाकर ये जो रैलियां होती हैं, तब जब ये बीजेपी रैलियां करती है इसमें भी कई तादाद में जो कार्यकर्ता है, जो लोग है वो शामिल होते हैं, लेकिन तब ये कार्रवाई नहीं देखी जाती है। नहीं तो कार्रवाई कर लेती ना ममता बनर्जी, किसी ने रोका हुआ था उनको, कर लेती वो कार्रवाई, उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई होगी।
नहीं नहीं आप ये बताइए ना कि आपने कितने लोगों को, अपनी पार्टी के कितने लोगों ने आपने ये जन जागरण जो रैलियां निकाली हैं, जो आपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये जो रैलियां निकाली हैं, इसमें आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ ना, तो आप बताइए। कार्रवाई तो देखिए, जो सत्ताधारी सरकार होती है जिस क्षेत्र की, वो कार्रवाई करती है। अगर उसको लगता है कि जो किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, कार्रवाई वो करती है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर लगता है कि वो उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, कार्रवाई की गई। नहीं अनिला जी, अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर जो है वो कार्रवाई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो क्या लगता है कि अब आगे क्या कार्रवाई करने की? अनिला जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अनिला जी आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो अनिला सिंह ने फिलहाल फोन काट दिया है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दी जा रही है, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि किसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल कोरोना महामारी अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और बड़ी जानकारी इस वक्त पहुंचाई जा रही है, जहां पर संकल्प यात्रा में सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो शामिल हुए थे, जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए थे, तो उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ये कार्रवाई की गई है, उन पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि आखिरकार अब आम आदमी पार्टी का पक्ष इस पर क्या रहेगा, उनकी क्या कुछ दलीलें आगे रहेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जो चुनाव आते हैं तब बीजेपी, कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है वो भी अपनी रैलियों में लोगों की भीड़ जमा करते हैं, तब ये अधिनियम कहा जाते हैं, तब ये कार्रवाई कहा जाती है। लेकिन अब जब उन्होंने तिरंगा संकल्प यात्रा डिप्टी सीएम के द्वारा निकाली गई है, तब उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या कुछ पक्ष रहेगा, क्या कुछ दलीलें उनकी रहेंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो कल उन्होंने तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली थी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल हुए थे, और अब उन पर कोरोना अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो डिप्टी सीएम ने कल तिरंगा यात्रा निकाली थी, तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, अब कोरोना महामारी अधिनियम के तहत उन पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और बढ़ते आप खबरों में आगे, जहां पर पिथौरागढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर तहसील धारचूला के गांव जुम्मा में देर रात भारी बारिश से जुनामी तोक में लगभग 5 और सिराउडियार तोक में करीब 2 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त होने के साथ ही लगभग 7 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। सूचना के तत्काल बाद घटना क्षेत्र में राजस्व, एसएसबी, पुलिस, एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है और एनडीआरएफ क्षेत्र में जा रही है। तो घटना के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के तरफ से जिला आपदा परिचालन केंद्र में आईआरएस के अधिकारियों के साथ बैठकर तत्काल मौके पर राहत और बचाव कार्य कराने के साथ ही क्षेत्र में राहत सामग्री भेजने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो भारी बारिश से मकान ढहे हैं और मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 7 लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आ रही है। बचाव कार्य और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जा रही है, तो ऐसे में लोगों तक खाने पीने की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और एनडीआरएफ समेत तमाम जो राहत बचाव की जो टीमें हैं वो अपने काम में जुटी हुई हैं। और यहां पर 7 लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश के कारण ये मलबा जमा हुआ है और खासा दिक्कतों का सामना इस दौरान लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके मकान जो है वो क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं और 7 लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आ रही हैं।
21 सालों में प्रदेश की उपलब्धियां हम आपको बताने वाले हैं, जहां पर उत्तराखंड राज्य गठन के करीब 21 साल अब पूरे हो चुके हैं। इन 21 सालों में प्रदेश की उपलब्धियों में क्या कुछ हुआ और या फिर क्या कुछ ना हुआ हो, मगर उपमुख्यमंत्री की ये जो लंबी फहरिस्त जरूर बनी है और उत्तरांचल से उत्तराखंड राज्य का नाम जरूर बदला गया है। अब तक यहाँ 11 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और प्रदेश की सत्ता बस दो ही राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। क्षेत्रीय दलों को कभी प्रदेश की जनता ने उठने ही नहीं दिया है, लेकिन जो भी सत्ता में आया उन्होंने किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया है और लगातार ही मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलकर जनता को पूरी तरीके से भ्रमित करके रखा। लेकिन एक मिथक के अनुसार उत्तराखंड की सत्ता में मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलने वाली पार्टी ने रिपीट नहीं किया है। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और पहले मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के नित्यानंद स्वामी रहे। 354 दिन में ही नित्यानंद स्वामी को हटाकर कमान भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दी गई। सिर्फ 123 दिन तक सत्ता संभालने के बाद चुनाव में उतरे कोश्यारी पार्टी को जीत नहीं दिला सके और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता की बागडोर नारायण दत्त तिवारी के हाथों में दे दी। मात्र नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे सीएम रहे जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। साल 2007 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड से उखाड़ फेंका और बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। बीसी खंडूरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया और 800 से ज्यादा दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद खंडूरी को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक को राज्य की कमान सौंप दी गई। तीसरा विधानसभा चुनाव आने से पहले ही निशंक विवादों में घिर गए। बीजेपी ने फिर से खंडूरी को सीएम बना दिया और बीजेपी 2012 विधानसभा चुनाव फिर से हार गई। कांग्रेस सत्ता में लौटी, राज्य की बागडोर विजय बहुगुणा को सौंपी गई। बहुगुणा 690 दिन तक सीएम रहे और इसके बाद बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। चौथे विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई और त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। 1453 दिन के कार्यकाल के बाद उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया और बीते मार्च में तीरथ सिंह रावत को कमान सौंप दी गई, जो सबसे कम समय 116 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। और अब जबकि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से पूरे देश में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में भी इस बार हमने 57 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम करा, अर्थात प्रदेश की जनता का, हमारे सैन्य बाहुल्य जितने क्षेत्र हैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी में अटूट विश्वास है। तो मैं मानता हूं कि अब ये परंपरा ख़त्म हो चुकी है। जैसा हम लोग केंद्र में भी दोबारा सत्ता में आए, यहाँ पर भी उत्तराखंड में हम लोग ऐसी प्रचंड बहुमत से अब की बार 60 के पार इस नारे के साथ हम लोग प्रदेश में आने वाले हैं। और रही बात मुख्यमंत्री की, ये पार्टियों का एक अंदरूनी मसला है। अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, सामने बैठा हुआ एक बूथ का अध्यक्ष आज किसी भी स्तर पर पहुंच सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की चुनावी पिच पर अपने दिल्ली मॉडल को लेकर चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां कर रही है, लेकिन अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उत्तराखंड में अपनी जड़ें जमाने में लगी हुई है। भले ही बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को चुनावी युद्ध से बाहर समझ रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ी है और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से पूरी ताकत अपनी झोंक दी है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और राजनीतिक समीक्षक भी पूरी गणना करने में अभी नाकाम है। यहाँ पे भ्रम चल रहा है कि हर बार सरकार लाओ, एक बार सागनाथ एक बार नागनाथ दोनों आते हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। मुख्यमंत्री बदलने के अलावा इन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। इस चीज को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले साल घोषणा करी थी कि हमारी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और सबसे पहले हमारी ही पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी घोषित कर दिए गए, जो हमारे चेहरे कर्नल अजय कोठियाल जी। और उससे बौखलाहट इतनी हो चुकी है भाजपा को कि आज आप देख रहे होंगे जगह जगह जो पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, कोई बैनर भी लगाए जा रहे हैं, वो भी फाड़े जा रहे हैं और पूरा इसको तोड़ा जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। पहली बात, 100% हमारी सरकार इस बार उत्तराखंड में आ रही है और कर्नल अजय
के कोठियार पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तो बिल्कुल तय है कि इस बार कांग्रेस आएगी, और आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं करा है सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा। आम आदमी पार्टी अभी घुटनों के बल चल रही है, अभी उसको खड़े होने में भी समय लगेगा, तो आम आदमी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी निगाह में तो वैसे भी ये बीजेपी की सब्सिडियरी है, बीजेपी की बी पार्टी है, क्योंकि सब मनोबल के साथ सब पूर्ण सहयोग के साथ एक ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और वही मुख्यमंत्री 5 साल चलाएगा। जिस चुनावी पिच पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का युद्ध देखने को मिलता था, उस चुनावी पिच पर अब आम आदमी पार्टी की दस्तक ने चुनावी युद्ध के त्रिकोणीय कर दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की परंपरा कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही बरकरार रहती है, या फिर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जीत हासिल कर इस परंपरा को तोड़कर एक नया इतिहास लिख देती है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए काशीपुर से नाजिम खान की रिपोर्ट। आपने किस तरह से उत्तराखंड राज्य गठन के करीब 21 साल अब पूरे हो चुके हैं, और इन बीते 21 सालों में प्रदेश के जो उपलब्धियों में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, कोई सुधार आया हो या ना आया हो, मगर उप मुख्यमंत्रियों की जो फहरिस्त है वो जरूर बनी है। तो तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो बदले गए हैं, और उत्तरांचल से उत्तराखंड राज्य का जो नाम है वो भी जरूर बदला है। अब यहाँ 11 जो मुख्यमंत्री हैं वो बन चुके हैं, तो राज्य में कोई विकास हुआ हो या ना हुआ हो, कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, राज्य आगे बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बदलने की जो परंपरा है वो लगातार अब तक बनी हुई है। अब तक 11 मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर बदले जा चुके हैं। मात्र 21 साल हुए हैं उत्तराखंड का गठन हुए, लेकिन इन 21 सालों में 11 मुख्यमंत्री जो राज्य के जो जनता है, जो नागरिक है, वो देख चुके हैं, और प्रदेश की सत्ता बस दो ही राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। क्षेत्रीय दलों को कभी प्रदेश की जनता ने उठने ही नहीं दिया है। देश की जनता, जो राज्य की जो जनता है, प्रदेश की जो जनता है, उसने कभी जो छोटे दल हैं उनको सामने उठने ही नहीं दिया है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, बस उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी जो सत्ता है, जो पूरी राजनीति है, वही घूमती है। तो गरिमा दोसानी हमारे साथ तो जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी देखिए, सबसे पहले मेरा सीधा सवाल आपसे यही होगा कि देखिए, राज्य में 21 साल इस गठन को हो चुके हैं, उत्तराखंड के गठन को, लेकिन इन 21 सालों में 11 उप मुख्यमंत्री जो है वो राज्य की जो लोग हैं, जो राज्य है, वो पूरा देख चुका है। क्या लगता है, इस बार आपकी सरकार आएगी तो ये परंपरा फिर से मतलब जारी रहेगी, या फिर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? राज्य की जनता से हमने वादा किया है कि हम स्थिर सरकार देंगे, हम भ्रष्टाचार रहित सरकार देंगे, हम पारदर्शी सरकार देंगे, और रोजगार के क्षेत्र में तो हम उत्तराखंड को मॉडल राज्य बना देंगे। प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी में आज राज्य को सर्वोच्च स्थान पर देश के खड़ा कर दिया है। हमने राज्य के युवाओं को ये भरोसा दिलवाया है, विश्वास दिलवाया है कि आशाग्रस्त होने की जरूरत नहीं, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हर युवा को रोजगार या स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करेगी। यदि हम नहीं दे पाए तो हम न्याय योजना के तहत उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन देखिए, आप तो पहले भी तो सरकार में रही है ना, तब क्या परेशानी थी मॉडर्न राज्य बनाने में? तब क्यों नहीं इन चीजों पर ध्यान दिया गया? तब क्यों नहीं आपके जहन में ये आया कि इस राज्य को मॉडर्न बनाना चाहिए? नहीं, हमने रिकॉर्ड नौकरियां दी है। हमारे सरकार के कार्यकाल को आप उठाकर देखिए, पीआरजी के माध्यम से, होमगार्ड के माध्यम से, नर्सिंग के माध्यम से, हमने तमाम विभागों में रिकॉर्ड स्थापित किया है नौकरियां देने का। वो तो जो बेरोजगारी का दर है वो इस सरकार के समय पर आसमान छू रहा है, नहीं तो हमने बैकलॉग को पूरा खत्म करके हम गए थे। हम बैकलॉग छोड़कर ही नहीं गए थे, हम अध्याचन करके गए थे कई विभागों में, वो सारा इन्होंने रुकवाने का काम कर दिया। तो उसमें कांग्रेस की क्या गलती? कांग्रेस सरकार फिर सत्ता में आएगी तो हम निश्चित तौर पर युवाओं को भरोसा दिलवा रहे हैं कि हम आपको
नहीं गरिमा जी, गरिमा जी आप ये सारी चीजें तो हमें गिनवा रही हैं, ठीक है, लेकिन इससे इससे कोई भी अपरिचित नहीं है कि राज्य किस तरीके से पलायन की समस्या से जूझ रहा है, किस तरीके से वहां पर सड़कें बदहाल है बिल्कुल, किस तरीके से वहां पर बेरोजगारी की कमी है, इन चीजों को कैसे आप फेस कर रही हैं, इन चीजों का कैसे आप जवाब देंगे, आप बाकी चीजें तो हमें गिनवा रही हैं, लेकिन सालों साल जो चलती आ रही है ना, आपकी सरकार में ये चीजें सुधरी हैं, बेरोजगारी का मुद्दा जस का तस बना हुआ है, सड़कें जस की तस बनी हुई हैं, वहाँ के जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग अगर आप देखेंगे परखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारी सरकार के टाइम पर क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। कभी भी हमारी सरकार के टाइम पर सड़कों की ये व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था नहीं थी, जो आज है रोजगार की ये व्यवस्था नहीं थी। 43 साल का रिकॉर्ड अगर बेरोजगारी का टूटा है तो भाजपा सरकार में टूटा है, हमारी सरकार में नहीं टूटा। आज ठेका प्रथा को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, हमने हमेशा इसको हतोत्साहित करने का प्रयास किया है। तो आप ये तोहमत हमारे ऊपर नहीं लगा सकते कि किसी व्यक्ति पर बड़ी निकली हुई है, राज्य ने बहुत प्रगति करी है, बहुत विकास। नहीं देखिए गरिमा जी, देखिए स्थिति तो सब लोग देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम देखते हैं किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सालों साल बरकरार रहती है, और आज भी वही तस्वीरें, चाहे आपकी सरकार रही हो या फिर किसी और की सरकार रही हो, ना आपकी सरकार में ज्यादा कोई उन्नति नहीं कर पाया ये प्रदेश। बहुत इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर आया, सिक्कुल और उपनल के माध्यम से जो हमने स्थापित किए उससे बहुत ज्यादा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला। हमने लगातार जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा होगा कि समाज कल्याण विभाग के तहत हमने योजनाएं, महिला सशक्तिकरण की पेंशन योजनाएं भी चलाई। आज लोग खून के आंसू रूकर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड की बात करी, उत्तराखंड के खान पान पहनावे को हमने बहुत यहाँ प्रोत्साहित किया। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि लोग एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं, और हमें जिस तरह का जनसमूह उमड़ कर आ रहा है हमारी सभाओं में, उससे पता चल रहा है कि जनता नेतृत्व परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है, कांग्रेस को आशीर्वाद दे चुकी है। जी गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस तमाम चर्चा के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। तो फिलहाल ये जो राज्य है, ये जो प्रदेश है उत्तराखंड, ये बीते 21 सालों में इनका गठन हुआ, लेकिन अभी तक ये जो प्रदेश है ये पूरे 11 मुख्यमंत्री के चेहरे देख चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है कि क्या ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी, चाहे किसकी भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि जो राज्य है और राज्य की जो जनता है उसने इन्हीं दो राष्ट्रीय पार्टियों को अभी तक राजनीति में उठने दिया है, ना कि किसी छोटे दल को आगे बढ़ने दिया है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि ये मुख्यमंत्री जो बदलने की जो प्रथा है, जो परंपरा है, वो आगे बढ़ती ही चली जाएगी क्या? और फिलहाल इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।